नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट, सबसे पहले सबसे तेज। ग्राम विकास पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का ग्राम बिहाली में हुआ सम्मान समारोह। अकेली विधानसभा के गांव बिहाली में ग्राम विकास पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का क्षेत्र के सरपंचों द्वारा पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। इस सम्मान समारोह में सामाजिक अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। अपने संबोधन में देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि यह सरकार एक नेक व ईमानदार सरकार है। यह सरकार काम करने की क्षमता रखती है। विकास कार्यों के लिए उन्होंने सरकार को एक अग्रणी सरकार बताया। उन्होंने कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज़ नहीं है, और साथ ही लोगों से अपील की कि क्षेत्र की हर ग्राम पंचायत में एक निगरानी कमेटी बनाई जाए जो पंचायत के पैसे और पंचायत के कामों की निगरानी रख सके। उन्होंने कहा कि एक शपथ आज से लो कि जो पैसा चंडीगढ़ से भेजा जाए वह धरातल पर लगना चाहिए, न कि किसी की जेब में जाना चाहिए। पहले की सरकारें कहती थी कि हम एक रुपया भेजते हैं और कुछ पैसे ही धरातल पर लगाए जाते हैं, पर अब ऐसा नहीं। बीच के दलालों की कड़ी इस सरकार ने खत्म कर दी है। अब केंद्र या राज्य सरकार द्वारा भेजा गया पूरा का पूरा पैसा धरातल पर पहुंचता है। बीच में उस पैसे में कोई गड़बड़ नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों को 50 लाख से लेकर 1 या 2 करोड़ रुपए तक जल्द ही जारी किए जाएंगे, जिससे वह गांव में रुके हुए विकास कार्यों को आगे गति से कर सकेंगे। साथ ही अटेली के स्वामी विवेकानंद स्पोर्ट्स क्लब को 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। सरकार से करीबन 40 सरपंच हमारे आए हुए हैं। अगर सारे के सारे आप मुझे जानते नाम बोलोगे तो ज्यादा समय लग जाएगी। लिस्ट मुझे मिलती है सभी सरपंच साहिबान और यहाँ मौजूद जो हमारे पार्टी से वेदुरता जी हल्का प्रधान है जनता जनता पार्टी के, सरिता देवी जी वाइस चेयरमैन, डॉक्टर राजकुमार तिरंगा जी जो पार्षद है जननायक जनता पार्टी से, हमारे छोटे भाई गजय सिंह कमलाना जी सीनियर डिप्टी मेयर गुड़गांव से, श्री शमशेर जिला पार्षद जी, श्री अशोक चेयरमैन जी, श्री श्रीमती बीना देवी जी सरपंच। चिकित्सा के क्षेत्र में हो, हमारे जो आज शिक्षा के बाद बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए जाना जाता था, ई लाइब्रेरी बनाकर देने की बात हो, ग्राम सचिवालय बनाकर देने की बात हो, आपका पार्क बनाकर देने की बात हो, व्यायामशाला बनाकर देने की बात हो, और अभी पूरे ब्लॉक के अंदर 2 से 3 बड़े गांव को चिन्हित करके एक क्लस्टर बनाकर जहां 10-15 हजार की आबादी के गांव का सेंटर बनता है, ऐसे सारे सरपंच अगर हमें आपके एक ब्लॉक में माननीय मंत्री जी भी बैठे उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप ऐसे सेंटर बनाकर दें, वहां हम एक एक कॉम्युनिटी सेंटर भी बना के देने का काम करेंगे जो बड़ी लागत से बनेगा, क्योंकि अभी हर गांव में कॉम्युनिटी सेंटर में जाना पॉसिबल नहीं होता। इसमें बड़ा बजट खर्च होता है सरकार का, पर कैपिटा जो आपका बजट है, जो अभी आपने पिछले दिनों सरकार ने 1100 करोड़ रुपया PRI का जो पैसा है पंचायतों के डेवलपमेंट के लिए, जो पंचायत अपने गांव का डेवलपमेंट चाहती है उसके लिए हमने भेजने का काम किया था। इस साल मैं आपको इंश्योर करके जाना चाहता हूँ, इस फाइनेंशियल ईयर में जो 1100 करोड़ रुपए थे वो 3300 करोड़ से करीबन 4000 करोड़ के आसपास हम गांव को देने का काम करेंगे जो PRI का फंड। उसके अलावा डेवलपमेंट के लिए जो आप गांव से मांग करेंगे, गांव के डेवलपमेंट के लिए सरकार से जो मांग करेंगे वो पैसा भी अभी मांग पत्र सभी सरपंच साहिबान मुझे देंगे, उन सभी मांग पत्रों को। आज आप महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आए हैं तो उस कार्यक्रम में क्या कार्यक्रम? देखिए, जिला में ब्लॉक लेवल पे हमारे सब सरपंच साथियों ने सभा के समारोह के प्रोग्राम रखे हैं। ब्लॉक वाइज ये प्रोग्राम हमने किए हैं ताकि गाँव की जो समस्याएं हैं उन्हें हमारे सरपंचों से उसे डिस्कस हो सके और डेवलपमेंट के कार्यों में तेजी लेके आई जा सके। अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश जारी किए गए हैं और अपनी पूरी पूरे परिवार को कह सकता हूँ, हमारा पूरा पंचायत राज का जो परिवार है, हमारी चुनी जो पंचायतें आई हैं, हमारे सरपंच साहिबान हैं, हमारे ब्लॉक समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, उन सबसे अनुरोध किया है कि अपनी जिम्मेदारियाँ लेते हुए अपने अपने गाँव को के विकास को आगे बढ़ाएँ और जो सरकार का पैसा आया है हम ये सुनिश्चित करें कि उस पैसे का गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से गांव के डेवलपमेंट में लगे। ये हम सब की ड्यूटी है, चाहे अधिकारी कर्मचारी हों चाहे चुने लोग हों। सर, कहीं ना कहीं दक्षिण हरियाणा बहुत पिछड़ा हुआ है तो दक्षिण हरियाणा पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है सरकार को। देखिएगा, ऐसा चलो आप ये कह रहे हैं लेकिन पूरा हरियाणा सरकार एक नज़र से देखते हुए हर क्षेत्र का
बराबर में डेवलपमेंट हो उस पर हम काम कर रहे हैं, और जो यहाँ कमियाँ जो भी हमारे सामने आई हैं उनको दुरुस्त करने का कम समय में। सर, जो बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है, ये 24 के जो चुनाव होंगे उसमें भी गठबंधन देखिएगा, ये बहुत अभी अर्ली है, ये समय पे दोनों गठबंधन की जो पार्टी हमारी वो तय करेंगी और वो समय बताएगा, उस टाइम इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं। उप मुख्यमंत्री जी जिले के दौरे पे थे, अब आ रहे हैं, तो क्या ये 2024 के चुनावी रणनीति? देखिएगा राजनीति एक सेवा का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है और हमारी जो ड्यूटी है बतौर पंचायत विकास मंत्री के रूप में मुझे एक जुम्मेवारी मिली है। आज लोगों ने मुझे सरपंचों ने यहाँ बुलाया था, अपने हर गाँव की डेवलपमेंट हो ये मेरी आज जुम्मेवारी सुनिभाने के लिए। टेंडरिंग को लेकर जो विवाद आता था, तो अब आप मानते हैं कि वो पूरा समाप्त? आप देखिए पूरे ब्लॉक के सभी सरपंच थे, 100% समाप्त है, लोग अब काम में काम चाहते हैं। पोर्टल की जो व्यवस्था की गई उसके अंदर काफी खामियां देखने को मिले, विशेष रूप से जेई या जो है उनकी तरफ से काफी दिन तक अप्रूवल नहीं दी, इस प्रकार की समस्याओं का देखिए थोड़ी सी दिक्कतें थी उसको इम्प्रूव कर लिया गया है, और जो हमारा ग्राम दसल पोर्टल है उसमें से आम नागरिक भी अपने जो भी डेवलपमेंट के काम है उनके कुछ सुझाव है शिकायत उस पर डाल सकता है, प्रतिनिधि उसको आगे फॉरवर्ड करेगा और सरकार उस पर संज्ञान लेते हुए उस काम को डिलीवर करेगा। तो क्या उसके लिए कुछ समय सीमा निर्धारित की गई, कितने दिन के अंदर जो है उसके अंदर अप्रूव किया जाना? हाँ बिल्कुल, समय सीमा सब कामों की निर्धारित है उसमें।